हेलो गाइस, तो आप सबको पता ही है कि पिताजी की गुरुगद्दी आने से पहले आपके साथ मैं बातें शेयर करता हूं, पिताजी की चमत्कार सुनाता हूं। तो सभी गुरुगद्दी आने के बाद तो सभी ने चमत्कार पिताजी की सुने की बातें सुनी होगी, लेकिन मैं कोशिश करता हूं आपको कि पिताजी जब गुरुगद्दी पर नहीं आए थे तब की आपसे बातें शेयर करूँ। तो मेरी यही कोशिश रहेगी हमेशा। इस पर मैं पहले भी दो वीडियो बना चुका हूँ, तो उसका मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वो भी आप देख लेना। और इस वीडियो को आप पूरा देखना एंड तक और स्किप मत करना। तो ये बात तब की है जब पिताजी मार्केट वगैरह जाते थे, तो पिताजी ने देखा एक दुकान थी, एक शॉप थी, वो दो तीन दिन से बंद थी। तो पिताजी ने जब उसका कारण पूछा किसी भाई से कि ये भाई साहब क्यों नहीं आ रहे, दो तीन दिन से शॉप क्यों ऑफ है, तो उसके बारे में तो उसने भाई ने बताया कि भाई साहब, मतलब जैसे ही पिताजी से बात की होगी कि इनका एक ही बेटा था और वो उसकी मृत्यु होगी, तो उसी दुख में ये दो तीन दिन से शॉप उसकी बंद है। तो पिता ये बात सुन के थोड़ा सा बहुत ज़्यादा सैड हुए। तो पिता ने ये उनको बोला कि कोई बात नहीं भाई साहब, हमने इनके घर पे जाकर आएंगे, मिल के आएंगे, इनके घर में दुख प्रकट करके आएंगे। तो जैसे सभी दुख सुख में जाते हैं किसी न किसी के घर, तो पिता ही उनके घर गए और उनको जाकर थोड़ा हौसला हौसला दिया। तो वो पिता ही के सामने रोने लग गए, मतलब हर कोई जैसे एक बाप दुखी होता है, कि उन्होंने पिता की ये बताया कि मेरा एक ही बेटा था और वो भी मालिक ने ले लिया, तो जिनका एक बेटा हो और मालिक वो भी ले ले तो उसका क्या जीना। तो ऐसे ही पिता मतलब ये बात सुन के थोड़ा से मतलब उनको हौसला देते हुए कहा, ऐसे उंगली ऊपर करते हुए कहा कि कोई बात नहीं बेटा, मालिक ने हमसे एक लिया, हम मालिक से दो लेंगे। और ये एक जो सच्चा सतगुरु होता है, जो सच्चा एक देवी अवतार होता है, वही ये कर सकता है। और जैसे ही मतलब ये पिता ने वचन किया थे कि मालिक ने हमसे एक लिया, हम मालिक से दो ले लेंगे, जो खुद खुदा होता है, जो खुद एक देवी अवतार होता है, वही ऐसे वचन कर सकते हैं। तो ठीक एक साल के बाद उनके घर दो जुड़वा बच्चों का जन्म हुआ। तो आज वो भी सत्संग ही हैं, पिता के साथ जुड़े हुए हैं, पक्के प्रेमी हैं। तो ऐसे ही पिताजी जब गद्दी पर नहीं आए थे, तो पिताजी ऐसे ही चमत्कार और ऐसे ही लीला रचते आ रहे हैं। मतलब बचपन से जो देवी अवतार होते हैं, जो खुद खुदा होते हैं, उनके बचपन से ऐसे खेले नराले होते हैं। तो जो एक देवी अवतार होते हैं, जो खुद खुदा होते हैं, वो हर युग में अपने आप को ऐसे ही प्रकट करते रहते हैं किसी न किसी रूप में आके। तो ऐसे ही मैं आपसे और बातें शेयर करता रहूँगा, आपको और बातें मैं बताता रहूँगा गुरुगद्दी आने से पहले। गुरुगद्दी आने के बाद बहुत सी सब ने सुनी है, लेकिन मैं कोशिश करता रहूँगा आपको गुरुगद्दी पर पिताजी जब नहीं आए थे तब की आपको बातें शेयर करूँ। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और दो पहले मैं इस पर वीडियो बना चुका हूँ, नीचे उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, उसको भी आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और देखना जरूर। तो इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो जुड़े रहिए मेरे साथ, देखते रहिए सूर्य ब्लॉग्स। तो थैंक यू सो मच।